हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, पीओ के लिए। तो उसके कुछ प्रीवियस लेक्चर्स भी हमने दिए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में। इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो हम डीप में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं कुछ चाहूंगा कि आप ये बेसिक नॉलेज गेन कर लीजिए। अगर आपको ये समझ आ गया तो पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखेगा और वीडियो को देखेगा पूरा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बनाता कौन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, ठीक है। ये टोटल 6 मेंबर्स की कमेटी है, ठीक है। 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें से 3 जो हैं आपके वो होते हैं आरबीआई की तरफ से, ठीक है। और जो 3 हैं वो होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखो, जो आरबीआई की तरफ से 3 होते हैं ना, उसमें पहला तो हो गया आपका गवर्नर, ठीक है। और जो 2 बच गए वो हैं डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, वो कोई भी हो सकता है जिनको अच्छी खासी नॉलेज है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की, ठीक है। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी, प्रोफेसर, कोई भी हो सकते हैं, 3 बंदे, ठीक है। तो ये 6 बंदे मिलकर बनाते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे मार्केट में, और मार्केट की ग्रोथ, और मार्केट या कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहे, ठीक है। अब देखो, उसको इम्पैक्ट कैसे करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे डीप में, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक चीज चाहूंगा कि आप लोगों को बताओ कि लिक्विडिटी क्या होता है। देखो, आगे ये बहुत टर्म यूज होने वाली है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का बेसिक मतलब पता है क्या होता है, अगर आप देखो टेक्निकल बात बात समझना चाहोगे तो लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको आप बड़े आसानी से एक्सचेंज कर सको कैश के लिए, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपके पास गोल्ड है, आप दुकान में जाओगे, गोल्ड वाली दुकान में जाओगे या किसी बैंक में जाओगे, उसको आप कैश से एक्सचेंज कर लोगे, ठीक है। पर लैंड जो है वो लिक्विडिटी के हिसाब से काफी खराब होता है, क्योंकि देखो वो एक तो इजीली आपको उतना रेट मिलेगा जितना आप चाहोगे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह करते करते उसमें काफी टाइम लगता है, तो इजी नहीं है एक्सचेंज करना कैश के लिए, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड जो है वो ज्यादा अच्छा है, या तो फिर आपके पास जैसे एफडी हो गई या कोई बॉन्ड हो गया, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप उसको इजिली एक्सचेंज कर सकते हो कैश के लिए। और लिक्विडिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कैश अपने आप में ही है, क्योंकि देखो कैश के बदले कैश आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिक्विडिटी का मतलब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखो ये टेक्निकल टर्म नहीं समझ आ रही, तो सिंपल सिंपल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो लिक्विडिटी का मतलब कैश है, ठीक है। अगर आपके पास कैश है तो आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में ये समझ लो। अब बात करते हैं बैंक की। देखो यहाँ पे ये चीज भी जानना जरूरी है, जो बैंक है ना वो, उसके एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो, एसेट्स का मतलब वो चीज होती है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, जो आपकी ताकत हो। तो बैंक की ताकत क्या है, बैंक की ताकत है लोन्स। वो कैसे, देखो समझ लो, बैंक ने लोन दिया 100 रुपए का, ठीक है, और वो जो बदले में आपसे लेगा ना, वो कम से कम 110 रुपए लेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो जो 10 रुपए है ये क्या है, ये बैंक की कमाई है। कमाई क्या है, मतलब फायदा हो रहा है इसको, ये इसकी ताकत है, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिससे आपको एडवांटेज मिले कुछ, ठीक है। तो लोन्स जो है वो बैंक की एडवांटेज है, ठीक है, वो बैंक का एसेट्स है। वही हम बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी बैंक के डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स क्यों, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, आपको बदले में ब्याज मिलता है ना, वो ब्याज देता कौन है, बैंक अपनी जेब से दे रहा होता है, तो उसमें बैंक को घाटा हो रहा है। देखो, अगर मेरे पास, मैंने देखो 100 रुपए का लोन बेच रहा हूँ, 1000 रुपए मैं जमा कर रहा हूँ, तो मेरे को 1000 रुपए में ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा और लोन पे पैसे कम आएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैं ब्याज देता रहूंगा, उतना ज्यादा मेरी जेब खाली होती रहेगी। तो जो लायबिलिटी है वो बैंक का क्या होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर उसको बैंक को रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना होता है कस्टमर्स को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहूंगा, देखो डिपॉजिट आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, और एक होता है आपका टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है जो आप जब मर्जी चाहे जाके निकालो, वैसे निकाल तो टर्म डिपॉजिट भी सकते हो, पर डिफरेंस क्या है, देखो जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो होते हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स जो होते हैं और करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, जिसमें आप जब मर्जी पैसा निकाल लो। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है, आपका एफडी हो गई, आरडी हो गई, ठीक है, ये टर्म डिपॉजिट होता है, क्योंकि एफडी आप बनाते हो साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, तुड़वाने को आप बीच में तुड़वा सकते हो, पर वो टर्म डिपॉजिट काउंट होती है, ठीक है। तो इन दोनों का डिपॉजिट जो होता है, इसको बोलता है बैंक नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, ठीक है, एनडीटीएल, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हो गया आपका नेट टर्म एंड डिमांड लायबिलिटी। ये आगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है, आगे हम इसी पे बात करेंगे एनडीटीएल का। तो इसका मतलब क्या है एनडीटीएल का, जो आपका डिमांड
डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग और करंट अकाउंट का डिपॉजिट है, और जो टर्म डिपॉजिट यानी कि FDRD का डिपॉजिट है उसका नेट जो है उसको हम NDTL बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब महंगाई बढ़ जाती है। देखो महंगाई बढ़ती क्यों है? जब मार्केट में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब समझ गए ना अब, जो कैश, ठीक है सिंपल भाषा में कैश, जब मार्केट में कैश ज्यादा होगा ना तब क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। देखो इस चीज, दोनों चीजों का मतलब मैं समझाता हूँ। डिफ्लेशन का मतलब है जब महंगाई कम होती है, वो कम क्यों होती है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो समझ लो मेरे पास है चार का, मैं एक कार कंपनी है मेरी, ठीक है मेरी एक कार कंपनी है और मैं साल की 100 कार बनाता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है 100 कार बनाता हूँ मैं। अब इन्फ्लेशन का केस लेते हैं, देखो क्या हुआ कि मैंने 100 कार बनाई पर ना मार्केट में पैसा बहुत आ गया, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया सबके पास, तो क्या हुआ डिमांड बढ़ गई। ठीक है, कार खरीदने आ गए मेरे पास 500 लोग, ठीक है और मेरे पास सिर्फ 100 कार है, तो मेरे को पता है ना 500 लोगों ने कार खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा 100 कारों की कीमत बढ़ा दूंगा। जैसे मैं एक कार अगर 1,000 रुपए की बेचता था तो मैं 2,000 कर दूंगा उसकी कीमत। क्यों? क्योंकि 500 लोग लाइन बना के खड़े हैं कार खरीदने के लिए, तो जो जो ज्यादा पैसा देगा वो खरीद के ले जाएगा कार। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, जब डिमांड पड़ी तो सप्लाई तो मेरे पास 100 कार की ही थी, सप्लाई उतनी ही थी, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम हो गई, तो मैंने क्या किया प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, ये कब होता है? जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है मार्केट में। अब देखो दूसरा केस देखते हैं, यहां पे क्या होता है लिक्विडिटी कम होती है मार्केट में, अगर मार्केट में पैसा ही नहीं है तो कार खरीदने वाले ही नहीं आए। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो कार खरीदने वाले मेरे पास सिर्फ 50 लोग आए। ठीक है, अब मेरे को देखो 50 कार तो मैं बेच दूंगा, तो मेरे पास 50 कार रह जाएंगी, उनका मैं क्या करूंगा? तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी कार 1,000 रुपए की थी ना मैं 900 रुपए में बेच देता हूँ पर सारी बिक जाए। ठीक है, मैं उस टाइम ये चाहूंगा कि चाहे 900 रुपए में बिक जाए पर 100 की 100 कार बिक जाए। तो उससे क्या हुआ देखो, प्राइस कम हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो डिमांड कम थी, मार्केट में पैसा कम था तो डिमांड कम हुई, पर सप्लाई तो डिमांड के हिसाब से ज्यादा हो गई क्योंकि 50 लोग आए खरीदने पर सप्लाई तो मेरे पास 100 कारों की थी, तो क्या करना पड़ा मेरे को, प्राइस कम करना पड़ा। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा समझिए, क्योंकि आगे सब इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जो है CRR SLR, और एक है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये सारे आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनको हम अगली स्लाइड में डीप में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जो CRR है ना वो होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। डेफिनेशन किसी ने पढ़नी हो तो यहां से पढ़ लेना, मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम CRR की। तो देखिए जो CRR है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले पीछे बताया था कि बैंक जो है वो अपना NDTL कैलकुलेट करता है। ठीक है, NDTL का मतलब मैंने आपको बताया था ना, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। ठीक है, जितना भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया, ठीक है तो समझ लो जितना भी डिपॉजिट आया बैंक उसका कुछ परसेंट इन कैश RBI को देता है। ठीक है, मतलब कि जैसे बैंक ने दिन में कमाए 100 रुपए, 100 रुपए जमा हुए बैंक में, ठीक है तो 100 रुपए का 4.5% यानी कि 4.5 रुपए जो बैंक को है वो कैश की फॉर्म में रखना है, कैश की फॉर्म में रखना है और वो RBI को देना है। ठीक है, क्यों? ताकि जो कभी बैंक में पैसों की कमी हो तो वहां से ले सके। ठीक है, तो ये जो CRR है ना, यहाँ पे देखो काम की बात ये है, जो CRR है उस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, और जो CRR मेंटेन करना पड़ता है वो किस एक्ट के तहत मेंटेन करना पड़ता है, RBI एक्ट 1934, ठीक है सेक्शन 42(1), इस एक्ट के तहत बैंक को CRR मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए इससे होता क्या है ना, पहले मैं SLR भी बताता हूँ फिर मैं बताऊंगा इसको ए इकोनॉमी में मतलब इंपैक्ट कैसे करता है आपकी, ठीक है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में इंपैक्ट कैसे करता है। अब देखिए SLR भी समझ लेते हैं, SLR क्या होता है? देखो SLR भी क्या है, जो आपका NDTL है ना आपका, ठीक है NDTL का आपको कुछ परसेंट हिस्सा बैंक को अपने पास रखना होता है। ठीक है, उसको वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो बैंक को अपने पास रखना है इन फॉर्म ऑफ, देखो तीन चीजों में रख सकते हो, या तो आप कैश रख लो, ठीक है या आप गोल्ड रख लो, या आप बॉन्ड्स के फॉर्म में रख लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये तीनों चीजें ना ये लिक्विडिटी के प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छे होते हैं, इनको आप जल्दी एक्सचेंज कर सकते हो कैश के लिए, इसलिए इन तीन फॉर्म में रखना है आपको। ठीक है, या कैश रख लो, या गोल्ड रख लो, या बॉन्ड्स रख लो। ठीक है, तो बैंक का जैसे वही बात है,
अभी 18% है SLR, तो मतलब बैंक अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से उन्होंने 18 रुपये जो है वो इन तीन में से किसी फॉर्म में रखने हैं, ठीक है, अपने पास, उसको वो लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब देखो होता क्या है, समझ लो, अब SLR जो है इसकी भी पहले हम वो एक्ट देख लेते हैं, ये रखना होता है बैंक को BR एक्ट के तहत, ठीक है, 1949, BR एक्ट 1949 सेक्शन 24(2A), ठीक है, इस एक्ट के तहत बैंक को ये कैश मेंटेन रखना पड़ता है 18%, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हर हर 3 महीने बाद मॉनिटरी पॉलिसी चेंज होती है, तो ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे समझ लो इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा मतलब कैश ज्यादा है, मार्केट में कैश ज्यादा है। अब RBI क्या चाहता है कि मार्केट से कैश कम हो जाए, तो वो क्या करेगा, CRR और SLR को बढ़ा देगा। उससे होगा क्या, जैसे समझ लो बैंक पहले 100 रुपये कर रहा था, ठीक है, बैंक पहले 100 रुपये जमा कर रहा था NDTL से, ठीक है, दिन का, तो उसका कितना परसेंट, 18 + 4 = 22, 23% रख लो, मतलब 100 में से 23 रुपये जो है, 100 में से 23 रुपये वो उसको अपने पास रखने पड़ते थे, या तो RBI के पास या अपने पास मिला के, ठीक है। तो मतलब उसके पास पीछे रह कितना गया, उसके पास पीछे रह कितना गया, 77 रुपीज, ठीक है, उसके पास 77 रुपीज रह गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोन के फॉर्म में, ठीक है। पर जब मार्केट में पहले से ही पैसा ज्यादा है, तो RBI क्या करेगा, ये 23% से बढ़ा के 40% कर देगा, ठीक है, इन दोनों का सम 40% कर देगा, तो बैंक के पास कितना पैसा रह गया, 60 रुपये रह गए लोन बांटने के लिए। अब जाहिर सी बात है, देखो लोन बांटने के लिए पैसे कम रह गए, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन उतना लेंगे भी नहीं, ठीक है, तो लोन उतना लेंगे नहीं, लेकिन तो मार्केट में उतना लोन आएगा भी नहीं, तो मार्केट में पैसा अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, देखो होता क्या है, जैसे कि NDTL से बैंक ने लिए 100 रुपये, ठीक है, तो अभी करंट फॉर्म के हिसाब से उसको मेंटेन करना है 22.50, ठीक है, अगर अप्रोक्स ले तो 23 रुपीज वो उसको अपने पास मेंटेन करके रखना है, और वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है 77 रुपीज, ठीक है। पर अगर RBI चाहेगा कि मार्केट से पैसा कम हो जाए, तो ये 23 से हटा के इसको बढ़ा देगा 40 तक, ठीक है, तो बैंक के पास कितना रुपया रह गया, सिर्फ 60 रुपये रह गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसे आपका मार्केट से पैसा खुद ही कम हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो लोगों को वो लोन मिलेगा ही नहीं उतना, ठीक है, तो इससे अपने आप मार्केट से पैसा हटेगा और महंगाई खुद कम हो जाएगी। वहीं अगर जब महंगाई बहुत ही कम है, ठीक है, और सप्लाई ज्यादा है, तब क्या करेगा RBI, इस 23% को हटा के कितना कर देगा, 18% कर देगा, 18% कर देगा, तो मार्केट में पैसा कितना बचेगा, 82% बैंक के पास पैसा बचेगा वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब पैसा ज्यादा है, लोन लेने वाले कम है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ेगी थोड़ी सी, महंगाई बढ़ना भी जरूरी है, देखो एकदम महंगाई कम हो जाएगी तब भी अच्छा नहीं है, एकदम महंगाई ज्यादा हो जाएगी तब भी अच्छा नहीं है, तो ये इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, आगे चलते हैं हम अपने इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। तो देखो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है हमारा LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका बैंक जो है वो लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट कर रहा है, लेन देन कर रहा है RBI के साथ, वो किस कंडीशन में कर रहा है, वो करता है रेपो रेट के थ्रू या रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। तो अब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये पढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है, मतलब इसमें होता क्या है, बैंक जो है वो RBI से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखो जो SLR था हमारा, SLR में बैंक कितना था, 18% अपना NDTL का रखता था इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या बॉन्ड्स, ठीक है, या वो कैश रखेगा या गोल्ड रखेगा या बॉन्ड रखेगा, ठीक है। अब देखो उतना पैसा वहां रख दिया, फिर भी बैंक को क्या होता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है लोन, क्योंकि बैंक के पास अच्छी डील आ जाती है कि कोई बड़ा कस्टमर आ गया लोन मांगने, तो बैंक क्या करता है, वो RBI से पैसे मांगता है, ठीक है। अब RBI से पैसे कैसे मांगता है, वो देखो वो जाएगा RBI के पास, और SLR के अलावा इसको नहीं छुएगा वो, ठीक है, SLR के अलावा उसके पास जो भी सिक्योरिटीज होगी, सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ठीक है, उसके पास कोई और बॉन्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक क्या होता है, देखो जो बैंक के पास बचा हुआ पैसा है ना, तो कभी कभी लोन्स की इतनी डिमांड नहीं होती, तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है, ताकि उसको वहां से इंटरेस्ट आए, तो वो क्या करेगा, उस बॉन्ड को लेकर जाएगा RBI के पास, ठीक है, और ये होता है शॉर्ट टर्म लोन, वो RBI के पास जाएगा और RBI को वो बॉन्ड बेच देगा, ठीक है, और बदले में उससे पैसे ले लेगा, ठीक है,
पर यहाँ पे एक बात और है, देखो रेपो का मतलब ही है रीपर्चेस ऑफर रेट, ठीक है। रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेस ऑफर रेट। ऐसा क्यों? जब इसने ये बॉन्ड बेचा ना आरबीआई को, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है इनका। एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में ये होता है कि तुम मेरे से पैसे लेके जा रहे हो, ठीक है, पर थोड़े टाइम बाद तुम वापस आओगे, मेरे को मेरा पैसा दोगे और अपना बॉन्ड वापस लोगे मेरे से, ठीक है। इसलिए इसका नाम है रीपर्चेस। मतलब पहले बैंक ने ये बॉन्ड जो है आरबीआई को बेचा, पर उसी टाइम बैंक ने एक डील की, एग्रीमेंट किया कि मैं पैसा लेके जा रहा हूं, पर मैं थोड़े दिनों में पैसा आपको ब्याज के साथ वापस भी करूंगा और ये बॉन्ड में वापस खरीद लूंगा, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट, मतलब जिस रेट में बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, वो होता है रेपो रेट। और वही रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया? देखो रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब आरबीआई को पैसे लेने हो, ठीक है, आरबीआई को पैसे लेने हो बैंक से, ठीक है, या तो फिर बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया है और वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या करता है बैंक, बैंक जो है वो अपना पैसा ना आरबीआई में पार्क कर देता है कुछ टाइम के लिए, बदले में उनसे ब्याज ले लेता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैंक एक तरीके की जैसे हम एफडी बनाते हैं, वैसे बैंक अपना पैसा आरबीआई में दे देता है और बदले में ब्याज ले लेता है उनसे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारा वो था, हमारा जब डिमोनिटाइजेशन हुई थी, तो तब आरबीआई के पास भी डिपॉजिट्स की कमी थी, ठीक है, तो उनके पास भी पैसों की कमी थी, तो तब आरबीआई बैंक से भी लोन ले रहा था, ठीक है। तो जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है ना, तो वो लेता है रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। और या तो फिर जब बैंक अपना पैसा, एक्सेस पैसा आरबीआई में पार्क करता है कुछ इंटरेस्ट के लिए, तो वो किस रेट पे होता है? रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे। अब आता है आपका बैंक रेट। देखो जो बैंक रेट है ना, वो रेपो रेट से ज्यादा होता है, ठीक है। जिस रेट पे आरबीआई से बैंक लोन लेता है, ठीक है, वो रिवर्स रेपो रेट है, और बैंक रेट भी वही रेट है जिसपे बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है। अब इन दोनों फर्क ये है ना, देखो जो रिवर्स रेपो रेट है ना, जो रेपो रेट है और जो बैंक रेट है, इनमें फर्क ही क्या है? दोनों में देखो होता क्या है, बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है, लोन लेता है, पर इन दोनों फर्क क्या है? यहाँ पे वो रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है, वो अपनी कोई सिक्योरिटी है वो पहले आरबीआई को बेचता है, फिर एग्रीमेंट करता है कि मैं पैसा दूंगा वापस आपको और ये वापस ले लूंगा आपसे। पर यहाँ पे बैंक को ना, बैंक रेट पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी नहीं होती, वो सीधा जाए और पैसा ले ले आरबीआई से, ठीक है। तो देखो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी होती, तो इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो रेपो रेट से ज्यादा होता है बैंक रेट में। क्योंकि देखो रेपो रेट में क्या है, आप कुछ ना कुछ गिरवी रख रहे हो, ठीक है, पर बैंक रेट में आप कुछ गिरवी रख ही नहीं रहे हो, इसलिए बैंक रेट थोड़ा महंगा भी पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, समझ लो कोई जो बैंक है आपका, वो आपका सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस पर पेनल्टी लगती है। वो किस चीज पे लगती है? उनकी जो पेनल्टी होती है ना, वो लगती है आपके बैंक रेट पे, बैंक रेट पे प्लस 2-3% ऐसा लगता है। मतलब बेस वैल्यू क्या होती है आपकी? बैंक रेट, जो बैंक रेट होगा उसके ऊपर पेनल्टी लगती है अगर कोई बैंक अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहां तक बात खत्म हो गई। अब देखिए यहां पे एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि यार हम जो बैंक है वो अपना 18%, ठीक है, एनडीटीएल का एसएलआर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रहा है, चलो उसको कुछ फायदा भी हो रहा है, पर उस पैसे का करना क्या है इन दी एंड? तो इन दी एंड देखो होता क्या है, जो हमारा एमएसएफ है, एमएसएफ होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, अगर बैंक को और पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है, अपना एसएलआर से, ठीक है, जो एसएलआर की सिक्योरिटीज है उस पर भी वो लोन ले सकता है अंडर एमएसएफ, और ये ओवरनाइट लोन होता है, ठीक है, एक दिन का लोन होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे समझ लो अगर आपने फ्राइडे को लोन लिया है और सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो आपको मंडे को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे को आपको रिटर्न करना पड़ता है। ये फैसिलिटी सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपने एसएलआर में डिपॉजिट कर रखा है ना अपना 18%, उससे भी आप लोन ले सकते हो उस सिक्योरिटीज पे। पर देखो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा ही है तो वो 18 का 18% एमएसएफ पे इन्वेस्ट करके लोन ले ले, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो जो आरबीआई है वहां उसने कैप रखी हुई है, आरबीआई ने क्या कैप रखी है यहाँ पे, कि मिनिमम जो है वो आप 1 करोड़ ले सकते हो एमएसएफ के थ्रू, और मैक्सिमम जो है वो 1% है आपका एनडीटीएल का, ठीक है, जो एनडीटीएल है आपका टोटल, उसका 1% तक आप एमएसएफ के थ्रू ले सकते हो लोन, ठीक है। वरना बैंक क्या करेगा, अपना 18 का 18% एमएसएफ के थ्रू लोन ले लेगा और उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में बाहर कस्टमर को बेचेगा, ठीक है, उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा बैंक को। पर आरबीआई कहता है नहीं, आप मिनिमम सिर्फ 1 करोड़
और मैक्सिमम 1% ऑफ NDTL, ये आप MSF के थ्रू ले सकते हो लोन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ये होता है जैसे कि समझ लो अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मतलब कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ना ऐसी कोई स्कीम निकालेगा, मतलब अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालेगा, ठीक है, जिससे कि जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा आपका, ठीक है, आप उसको परचेज करोगे, आप परचेज करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास, ठीक है। पर वहीं अगर मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट से कुछ बॉन्ड्स खरीदेगा और बदले में उनको पैसा देगा, तो जिससे क्या होगा, सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये समझिए, जैसे कि समझ लीजिए जैसे आपका मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, पैसा जो है लिक्विडिटी जो है हमारी मार्केट में वो ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ना बॉन्ड्स को खरीदेगा कि बेचेगा। देखो मार्केट में पैसा ज्यादा है तो आरबीआई बॉन्ड्स सेल करेगा, सेल करेगा, खरीदेगा कौन, हम लोग खरीदेंगे, उससे क्या होगा, हमारा पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है। पर वहीं अगर लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में कम है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम है, तो आरबीआई क्या करेगा, बॉन्ड्स जो है वो खरीदेगा, ठीक है, बॉन्ड्स जो है वो परचेज करेगा। परचेज करने से क्या होगा, जो पैसा आरबीआई के पास होगा वो मार्केट में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुल मिला के आपका लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे।